आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं उन 10 टीवी शोज के बारे में जो इस साल यानी साल 2018 में बंद होने जा रहे हैं। देखिए कहीं इनमें से कोई आपका फेवरेट शो तो नहीं। नंबर एक, इश्कबाज। इश्कबाज स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शोज में से एक है। खबर मिली है कि ये शो जल्द बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वैसे तो इस शो के बंद होने की खबर काफी टाइम पहले से आ रही है, लेकिन शो के प्रोड्यूसर गुल खान ने हमेशा इन खबरों को खारिज किया, लेकिन अब इसके बंद होने की खबर दोबारा आई है और माना जा रहा है कि ये शो नवंबर के अंत तक बंद हो जाएगा। नंबर दो, ये है मोहब्बतें। रमा निशिता की कहानी साल 2013 से टीवी पर दिखाई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब ये शो इस साल के अंत तक ऑडियंस को अलविदा कह देगा। नंबर तीन, तू आशिकी। कलर्स का रोमांटिक शो तू आशिकी भी जल्द ही दर्शकों को अलविदा कह सकता है। खबर है कि ये शो अगले महीने ऑफ एयर चला जाएगा। जन्नत जुबैर और ऋत्विक अरोड़ा स्टारर शो की रेटिंग कम होने की वजह से इसे बंद किया जा रहा है। नंबर चार, उड़ान। साल 2014 से चल रहे कलर्स के सीरियल को भी बंद किया जा सकता है। चकोर की इस कहानी में मेकर ने हर तरह की चीज जैसे कि किरदारों को मारने के बाद वापस आना, डबल रोल, लव ट्रायंगल, मर्डर और बदला जैसी चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये शो अक्टूबर के एंड तक बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सोनी टीवी का पोरज, जी टीवी का बिट्टी बिजनेस वाली, स्टार प्लस का मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव, सोनी का दिल ही तो है और स्टार भारत का साम दाम दंड भेद भी उन शोज की लिस्ट में शुमार है जिन पर ऑफ एयर की तलवार लटक रही है।